बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुनीर हाई स्कूल ई लर्निंग सिस्टम क्लास 6। दिस इज योर साइंस लेक्चर। टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन यूनिट नंबर 3। टॉपिक इज सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द टाइटल पेज ऑफ योर अमेजिंग साइंस बुक फॉर क्लास 6। यूनिट नंबर 3 इज अबाउट सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Some plants are sensitive to touch. First of all, sensitivity in living organisms. So students, we are going to read that what is sensitivity in living organisms. All living organisms are sensitive to change inside and outside their bodies. जितने भी living organisms हैं वो sensitive हैं। अगर कोई भी change inside the body या outside the body अगर हो तो वो response देते हैं उस change पे। Animals respond to change in their environment by moving elsewhere. अगर animals जो हैं वो respond कैसे देते हैं, कोई भी उनके environment में माहौल में change आए तो वहाँ से move करते हैं। Plants respond to change in their surroundings by moving their parts. Plants भी अपने parts को move करके respond देते हैं किसी भी change को। In some simple unicellular organisms such as amoeba, Chlamydomonas and Euglena, the cytoplasm as a whole is sensitive. जो unicellular organisms होते हैं जिनकी ये pictures हैं students हमारे पास, amoeba, Chlamydomonas and Euglena, ये unicellular हैं। It is made up, they are made up of single cell. इनके जो cytoplasm मौजूद होते हैं इनके cells में वो पूरे के पूरा sensitive होता है। This is the eye spot in Euglena and Chlamydomonas. This red color eye spot helps them to detect change in light sense intensity, enabling them to move away from bright light. ये eye spot इनकी help करता है कि bright light से दूर जा सकें या bright light की तरफ जा सकें। Sensitive होते हैं light intensity के। Some plants also respond to change in light intensity. For example, the leaves of Trifolium plant open and close according to the amount of light falling on them. कुछ plants भी light sensitive होते हैं, जैसे कि हमारे पास example है Trifolium plant की, जो open होता है और close करता है अपने आप को to the amount of light falling on them. Some plants are sensitive to touch. कुछ plants touch sensitive होते हैं, उनको touch किया जाए तो close हो जाते हैं, ऐसे वो ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द मीमोसा प्लांट। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द लीव्स ऑफ द मीमोसा प्लांट, जिसको हम टच मी नॉट भी कहते हैं। क्लोज व्हेन टच, जब उनको टच किया जाता है तो अपने आप को अपने लीव्स को क्लोज कर लेते हैं। प्लांट्स नॉट हैव सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, बट दे कैन सेंस लाइट, वाटर एंड द पुल ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ये लाइट, वाटर और पुल ऑफ ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं। दे रिस्पॉन्ड बाई ग्रोइंग टूवर्ड्स देम। ये कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं लाइट और वाटर को, उनकी तरफ ग्रो करके। द एक्सटर्नल इफेक्ट विच प्रोड्यूसेस चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस। ऐसा एक्सटर्नल इफेक्ट जो कोई भी चेंज लेकर आता है बिहेवियर में ऑर्गेनिज्म के, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। एंड द रिएक्शन, और उसका रिएक्शन जो होता है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल लाइट इज अ स्टिमुलस एंड द टर्निंग ऑफ द शू टूवर्ड्स लाइट इज अ रिस्पॉन्स। Sensitivity and movement in plants, students. Plants are sensitive to light, water and pull of gravity. We can see the response in form of movement called tropism. हम movement plants के different parts की movement के जरिए उनके response को check कर सकते हैं, जिसको हम tropism कहते हैं। The response or bending of the shoot towards light is called phototropism. प्लांट का बेंड हो जाना, रिस्पॉन्स करना उसकी शूट का लाइट की तरफ, वो फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। दिस रिस्पॉन्स इज नेसेसरी। ये रिस्पॉन्स बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज प्लांट नीड लाइट टू मेक फूड। क्योंकि प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत होती है, सनलाइट की, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए अपनी फूड प्रिपेयर करने की। द शूट
ग्रोज टूवर्ड्स द लाइट, और जो शूट होती है वो लाइट की तरफ ग्रो करती है, एंड द लीव्स टर्न देयर अपर सरफेस टूवर्ड्स इट. द बेंडिंग और ग्रोथ ऑफ द रूट्स टूवर्ड्स द सॉइल इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म. जो रूट्स की ग्रोथ है बेंड होना है सॉइल की तरफ, उसको जियोट्रोपिज्म कहते हैं. द रिस्पॉन्सेज ऑफ द रूट एंड शूट आर कंट्रोल्ड बाई ए केमिकल सब्सटांस कॉल्ड ऑक्सिन. ये जो रिस्पॉन्सेज हैं रूट और शूट के, इनको एक केमिकल सब्सटांस जो प्लांट में मौजूद होता है उसको कंट्रोल करता है, उस केमिकल सब्सटांस को हम ऑक्सिन कहते हैं. ऑक्सिन इज मेड इन द सेल्स, ऑक्सिन हमारे प्लांट के सेल्स में बनता है. Found at the tip of the root and shoot, auxin speeds up stem growth and slows down root growth. Auxin एक ऐसा chemical substance है plants में जो stem की growth को बढ़ा देता है, speed up कर देता है, और shoot और roots की growth को कम कर देता है, slow down कर देता है. So the activity of auxin is affected by light. When light falls on a plant from above, the stem grows straight. When light comes from one side, the auxin collects on the opposite side. This causes the stem to bend towards the light. If a plant is laid on its side, auxin gathers in the lower half of the stem and root. The growth of the root cells slow down and root curves downward. Agar hum प्लांट के जो पॉट है उसको लिटा दें, ले डाउन कर दें, तो ऑक्सिन गैदर हो जाएगा लोअर हाफ की तरफ स्टेम और रूट की, और इस तरह से रूट सेल्स की जो ग्रोथ है वो कर्व्स हो जाएगी टूवर्ड्स द डाउनवर्ड, और शूट की जो है ग्रोथ वो कर्व हो जाएगी अपवर्ड. सेंसिटिविटी इन एनिमल्स, आफ्टर द सेंसिटिविटी इन प्लांट्स, स्टूडेंट्स एनिमल्स आर ऑल्सो सेंसिटिव. एनिमल्स नीड टू sense change in their surroundings to be able to survive in their environment. Animals can detect change in temperature, pressure, light intensity and sudden noises. जो animals हैं वो change को अपने atmosphere में change को detect करते हैं. For example, एक temperature की change को, pressure के change को, light intensity के change को और noises के. These changes are or stimuli can be felt by special organs which make up the sensory system. ये चेंज जो है और स्टिमुलाई जो है जो स्पेशल ऑर्गन्स की हेल्प से डिटेक्ट करते हैं, जिसको हम सेंसरी सिस्टम कहते हैं. सिंपल ऑर्गेनिजम्स कैन परसीव ओनली जनरल स्टिमुलाई सच एज लाइट और डार्कनेस, हीट और कोल्ड. मोर डेवलप्ड एनिमल्स, इन जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, डेवलप्ड एनिमल्स हैं, हैव ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम. उनके अंदर बहुत बेहतरीन हाईली स्पेशलाइज्ड सेंसरी सिस्टम होता है बाय विच दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सराउंडिंग्स, जिसके हेल्प से वो अपने सराउंडिंग से तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव द कोऑर्डिनेशन, राबता. All the systems of the body are closely linked and depend on each other. जितने भी हमारी बॉडी में एनिमल्स की, ह्यूमन की बॉडी में सिस्टम्स हैं वो तमाम आपस में लिंक्ड हैं और डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे. फॉर एग्जाम्पल, फूड कंज्यूम इज डाइजेस्टेड इन डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हम फूड खुराक खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होती है. ऑब्जर्व इन टू द ब्लड, हमारे ब्लड में जज्ब हो जाती है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. सो दीज सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड एंड क्लोजली रिलेटेड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. दीज सिस्टम्स वर्क टूगेदर एंड देयर एक्टिविटीज आर indirectly related. When we run or do some stress exercise, our body needs more food and oxygen to produce more energy. हम जब भी कोई running या exercise करते हैं, हमारी body को ज़्यादा food चाहिए होती है, ज़्यादा oxygen चाहिए होती है ताकि energy बन सके. Our rate of respiration increases automatically. उससे हमारा respiration का rate खुद से increase हो जाता है and the heartbeat becomes faster, और हमारी heartbeat भी तेज़ हो जाती है. In the same way, at the sight and smell of food, our mouth begins to water. और अगर उसी वक्त हमें कोई food की खुशबू आए और जो है नज़र आए तो हमारे मुँह में पानी आने लग जाता है. The working together of all the organs का मतलब है कि तुम्हारे तमाम organ system और organs मिलके काम कर रहे हैं and systems of the body. This is called the coordination. इसको coordination कहा जाता है. Coordination in the body is brought about by two systems. Coordination हमारी body में दो systems की वजह से आती है, nervous system और endocrine system की वजह से.
नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज, नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यूज से मिलकर बनता है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ग्लैंड्स, और हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल सिस्टम है बॉडी में, वो ग्लैंड्स की मदद से बनता है, विच प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंसेस दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम. ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, दिस मीन्स दैट दे डू देयर वर्क एट द राइट टाइम एंड एट द राइट स्पीड टू सर्व द बॉडी एज अ होल. If we observe carefully, अगर हम बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, मुशाहिदा करें, we found that हमें ये पता लगेगा our body is performing many functions at the same time, कि एक ही वक्त में हमारे बॉडी बहुत सारे functions perform कर रही है. Food is digested, हमारी खुराक भी हजम हो रही है, blood is circulating, blood भी circulate कर रहा है, digested food and oxygen to all parts of the body. Kidneys are removing the waste, kidneys भी waste material को remove कर रही हैं, and lungs are taking in oxygen and removing carbon dioxide. What is brain? Brain plays a very important part in the body's coordination. Body की coordination, systems की coordination में brain बहुत important part play करता है students. It receives messages from the muscles and sense organs and it sends back messages in return. ये मसल्स और सेंस ऑर्गन से मैसेजेस को रिसीव भी करता है और उनको वापस मैसेजेस भी सेंड करता है. दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. हमारा ब्रेन जो है वो मिलियंस ऑफ नर्व सेल्स से मिलकर बनता है, विच आर कनेक्टेड टुगेदर टू ईच अदर, जो आपस में मिले हुए होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. मैसेजेस आर कैरिड अलॉन्ग द नर्व सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेव और इम्पल्स इन वन डायरेक्शन ओनली. अ नर्व सेल हैज अ सेल बॉडी विद लॉन्ग थिन ब्रांचेस एक्सटेंडेड फ्रॉम इट. नाउ ही इज टेलिंग यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल. नर्व सेल में हमारे एक सेल बॉडी होती है और से लॉन्ग थिन ब्रांचेस निकल रही होती हैं. The shorter branches are called dendrites. जो short branches हैं उनको हम dendrites कहते हैं. What is the function of dendrites? Dendrites take in messages from other nerve cells. Dendrite का function है कि वो nerves दूसरे nerve cells से messages को लेता है. One long branch called axon, एक long branch भी nerve cell से निकल रही होती है जिसको हम axon बोलते हैं, carries messages out of the nerve cell, जो messages को nerve cell से लेकर जाती है. The axon connects with other nerve cells. Axon दूसरे nerve cells के साथ connected होता है and passes messages और messages को pass करता है towards muscles, glands और other organs. Bundles of axons, जब axons का जो पूरा bundle है उसको हम वो nerve कहते हैं, वो एक nerve form करता है. The base of the brain extends into spinal cord. जो base होती है brain की उससे आगे spinal cord start हो जाती है. The spinal cord is a bundle of nerve cells. हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी एक बंडल है नर्व सेल्स का, विच रन्स डाउन इनटू द बैकबोन, जो हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन के साथ नीचे तक जाती है. अलोंग द वे इस पूरे रास्ते में नर्व ब्रांच ऑफ फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू गेट टू द आर्म्स, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स. इस तरह से हमारे जो नर्व्स हैं वो हमारे दूसरे पार्ट्स तक पहुँच जाती हैं. Lower down nerve branch off to the legs and feet. Sensory nerve cells carry messages from the sense organs to the brain and spinal cord. जो sensory nerve cells हैं वो messages को लेके जाती हैं sense organs से brain और spinal cord की तरफ. Motor nerve cells carry messages from the brain and spinal cord to the muscles and glands. So here students we have the picture of pituitary gland, thyroid gland and adrenal gland and pancreas. The endocrine system. Coordination is also brought about by chemical substances. Coordination हमारे body में जो chemical substances मौजूद हैं उसकी वजह से होती है, and we call it hormones. हम जिसको हम hormones कहते हैं, which are produced in a set of glands. जो एक set of glands में produce होती है जिसको हम endocrine glands कहते हैं. The endocrine glands release tiny amounts of hormones. Endocrine glands बहुत थोड़ी तादाद में hormones को release करते हैं, which circulate with the blood, जो blood के साथ circulate करता है. Certain parts of the body called target organs. कुछ parts जो हैं body के उसको target organs कहते हैं, respond to the hormones. जो hormones को respond देते हैं, respond करते हैं, they control different parts of the body.
टू ब्रिंग अबाउट वेरियस रिस्पॉन्सेज सच एज फियर, हैप्पीनेस, ब्लशिंग. रिस्पॉन्सेज टू हारमोन्स मे लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स और मे गो फॉर मैनी ईयर्स. What are the sense organs? Sense organs are specially developed parts of the body. ये animals और humans के बहुत specially developed parts हैं which can detect stimuli, जो किसी भी stimuli को detect करते हैं, जान लेते हैं, जैसे कि light, sound, taste, touch और smell को. Such sense organs are made up of sensory cells. Sense organs जो है हमारे nose, ear, ये सब जो है सेंसरी सेल से मिलके बनते हैं. पर्टिकुलर सेंसरी सेल कैन रिस्पॉन्ड टू ओनली वन काइंड ऑफ स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल अ सेंसरी सेल इन द आई कैन ओनली डिटेक्ट लाइट वेव्स. एक जो खास सेंसरी सेल है वो एक ही तरह की स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि सेंसरी सेल जो हमारा आई है वो सिर्फ लाइट वेव्स को डिटेक्ट कर सकता है. इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू साउंड वेव्स. The body has five senses. हमारी body में five senses होते हैं, hearing, smell, sight, taste and touch. All these are detected by sense organs which send information to the brain. First of all, ear. The ear is a sense organ. हमारा कान, ear जो है वो एक sense organ है. It is sensitive to the stimulus of sound. जिस साउंड के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, इट स्ट्रेचेस डीप इनटू द स्कल. ये हमारे स्कल के अंदर तक मौजूद है एंड टर्न्स साउंड वेव्स इनटू इंपल्सेस दैट द ब्रेन कैन इंटरप्रेट. और ये साउंड वेव्स को के इंपल्सेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाता है ताकि ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर सके. द एयर हैज थ्री डिफरेंट पार्ट्स. एयर के तीन डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर. द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ ए फ्लैप ऑफ स्किन एज शोन इन दिस पिक्चर स्टूडेंट्स. ये एक फ्लैप ऑफ स्किन से बना होता है विच इज शेप लाइक ए फनल. एक फनल की तरह अंदर से इसकी शेप होती है. इट लीड्स टू हॉलो ट्यूब. सो दिस इज द हॉलो ट्यूब विच रीच इज इन साइड कॉल्ड द एयर कनाल, जिसको हम एयर कनाल कहते हैं. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड द एयर कनाल विच लीड्स टू द एयर ड्रम, जो अंदर एयर ड्रम तक जा रही है. वट इज एयर ड्रम? एयर ड्रम इज ए थिन मेम्ब्रेन. एयर ड्रम हमारा एक थिन मेम्ब्रेन है विच वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स स्ट्राइक. जब साउंड वेव्स एंटर होके इससे स्ट्राइक करती हैं तो ये वाइब्रेट करता है. Now the middle ear is a hollow chamber. जो हमारा मिडिल ईयर है, दरमियाना हिस्सा है ईयर का, वो एक हॉलो चैम्बर है. इट कंटेन्स थ्री बोन्स जिसको हम ऑसिकल्स कहते हैं. इसमें तीन बोन्स मौजूद होती हैं, इसको ऑसिकल्स कहा जाता है. वेन एयर ड्रम वाइब्रेट, जब ये एयर ड्रम वाइब्रेट करता है, इट मेक्स द ऑसिकल्स वाइब्रेट टू. उसकी वजह से ये ऑसिकल्स भी वाइब्रेट करती हैं. दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड टू द इनर एयर. ये इस तरह से वाइब्रेशन अंदर इनर पार्ट जो है एयर का वहाँ तक चली जाती हैं थ्रू एन ओवल ओपनिंग, जहाँ पे एक ओवल ओपनिंग मौजूद होती है जिसको ओवल विंडो कहा जाता है. फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मिडल ईयर आर नैरो ट्यूब रन्स इनटू द बैक ऑफ द थ्रॉट एंड फॉरनेक्स. दिस ट्यूब इज कॉल्ड ऑस्टेशियन ट्यूब. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव दिस ऑस्टेशियन ट्यूब जो हमारे आगे पार्ट थ्रॉट और फॉरनेक्स की तरफ जाती हैं. The ostentation tube helps to adjust the air pressure inside the middle ear to the atmospheric pressure outside. क्या function होता है ostentation tube का? ये हमारे air pressure को adjust करती है inside the middle ear. Inner air lies behind the oval window. Oval window के आगे हमारा inner ear का area मौजूद है. The inner area is made up of cochlea, vestibule and semicircular canals. The cochlea has a tube. Cochlea एक ट्यूब है which is coiled up, जो इस तरह से coil shape में होती है like a snail's shell. This tube is filled with fluid. ये tube fluid से भरी हुई होती है. When the oval window vibrates, जब ये oval window हमारी vibrate करती है, it makes waves in the fluid. ये fluid में waves पैदा करती हैं. There are thousands of sensitive hairs inside the cochlea. Cochlea के अंदर हजारों की तादाद में sensitive hairs मौजूद होते हैं which are connected to sensory cells, जो sensory cells के साथ connected होते हैं. When the fluid passes over the hairs, जब ये fluid hair तक पहुंचता है, pass होता है, they send impulses to the nerves. तो वो impulses को nerves तक पहुंचाता है which carry messages about sound to the brain. The nerve which connects the ear to the brain, as वो nerve जो हमारी ear part को brain से connect करता है, we call it auditory nerve.
ऑडिटरी नर्व कहते हैं. बैलेंस ऑफ द बॉडी, द सेमी सर्कुलर कनाल्स एंड द वेस्टिबल हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी. सेमी सर्कुलर कनाल और वेस्टिबल हेल्प करती हैं हमारे बॉडी को बैलेंस करने में. दे कंटेन फ्लूइड एंड सेंसिटिव एयर. इफ द हेड इज टिल्ड टू वन साइड, द फ्लूइड इन दीज ट्यूब्स मूव्स एंड द नर्व्स फ्रॉम द सेंसिटिव एयर इनफॉर्म ब्रेन अबाउट द पोजिशन ऑफ द बॉडी. अगर हम एक साइड पर झुकते हैं तो ये फ्लूइड जो है वो जो इन ट्यूब्स में मौजूद है मूव करता है और नर्व्स तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है. फ्रॉम द सेंसिटिव एयर ब्रेन तक हमारा मैसेज पहुंच जाता है कि हमारी बॉडी की पोजीशन जो है अब क्या है. नेक्स्ट आवर पार्ट इज द आई. द आई इज लाइक ए टाइनी कैमरा. हमारी आंख एक छोटे से कैमरे जैसी है. इट सेंड्स ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ पिक्चर्स टू द ब्रेन. ये हमारे कॉन्टिन्यूस स्टेडी स्ट्रीम पूरी पिक्चर्स की ब्रेन तक पहुंचाती है. द आउटर आई इज कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट टिश्यू. जो हमारी आउटर आई है एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू से ढकी हुई है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. सो स्टूडेंट्स हियर इन द पिक्चर वी हैव दिस कॉर्निया पार्ट. द कॉर्निया अलाउज लाइट टू एंटर द आई. द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज ए बैंड ऑफ मसल. जो कलर्ड पार्ट है आई का वो एक बैंड है मसल्स का जिसको हम इरिस बोलते हैं. सो हेयर वी हैव दिस इरिस. इन द सेंटर ऑफ द इरिस इज ए होल. हमारे इरिस के सेंटर में एक होल होता है जिसको प्यूपिल कहते हैं. सो हेयर वी हैव दिस होल विच इज कॉल्ड द प्यूपिल. द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय बिकमिंग नैरो और वाइडर. बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल की बैक साइड पे यस इज ए डबल कन्वेक्स लेंस. हमारे डबल कन्वेक्स लेंसेज मौजूद होते हैं. सो हेयर स्टूडेंट्स वी हैव द कन्वेक्स lenses. The thickness of the lens is controlled by the muscles. The lens helps to focus a clear image of the object on a layer of light sensitive cells called the retina. The retina contains special cells called rods. Retina ke andar special cells maujood hote hain jinko hum log रॉड्स और कोन्स कहते हैं. विच रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड कलर. जो लाइट और डिफरेंट कलर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं. सो हेयर स्टूडेंट्स वी हैव दिस पार्ट रेटिना विच कंटेन्स स्पेशल सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स. नर्व फाइबर्स फ्रॉम द रेटिना सेल्स कैरी मैसेजेस टू द ब्रेन. द नर्व विच कनेक्ट्स द आई टू द ब्रेन. वो नर्व्स जो हमारे आईज को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं उनको ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है. नेक्स्ट आवर पार्ट इज स्किन. द स्किन इज द लार्जेस्ट सेंसरी ऑर्गन इन द बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो सेंसरी ऑर्गन है वो हमारी स्किन है. बिसाइड्स प्रोटेक्टिंग द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के अलावा स्किन इट ऑल्सो सेंसेस पेन, टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसके अलावा ये पेन, दर्द को, टेम्परेचर को और प्रेशर को भी सेंस करती है हमारी स्किन. नर्व्स इन द स्किन प्रोड्यूस सेंसेशंस. When the skin is touched, the skin is made up of three layers. हमारी skin जो है तीन layers से बनके बनती है. Outer layer को हम epidermis कहते हैं. It contains three layers of cells. The outermost layer of the epidermis is hard. It protects the inner layers. The next layer, दूसरी layer हमारी skin की dermis कहलाती है. It contains nerves and hair follicles. It also contains small tissues called sweat glands. द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट. जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो स्वेट यानी पसीना प्रोड्यूस करते हैं. ऑयल ग्लैंड्स एंड ब्लड कैपिलरीज आर ऑल्सो फाइंड इन द डर्मिस. जो सेकेंड लेयर है डर्मिस, वहाँ पे हमारी ब्लड कैपिलरीज और ऑयल ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं. द डर्मिस contains actively dividing cells which replace worn out cells and repair broken tissues. Pigment granules present in the dermis. डर्मिस के अंदर पिगमेंट ग्रेन्यूल्स भी मौजूद होते हैं. डिटरमाइन द कलर ऑफ द स्किन, जो हमारी स्किन का कलर बताते हैं. एंड ऑल्सो एक्ट एज ए स्क्रीन अगेंस्ट अल्ट्रा वायलेट लाइट. और अल्ट्रा वायलेट लाइट के जरिए के लिए एक स्क्रीन का काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करते हैं. द फैटी लेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द स्किन. और जो फैटी लेयर है, फैट की लेयर है, वो सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे लास्ट लेयर है स्किन की. इट स्टोर्स फूड एंड ऑल्सो एक्ट एज एन इंसुलेटिंग लेयर अगेंस्ट कोल्ड. ये हमारे फूड को भी स्टोर करती है और इंसुलेटिंग लेयर है
सर्दी के खिलाफ, कोल्ड के अगेंस्ट. द स्किन हेल्प्स टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स. मैमल्स के अंदर स्किन जो है बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है. व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी स्टार्ट्स राइजिंग, और जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, द स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट. जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं वो पसीना प्रोड्यूस करते हैं, स्वेटिंग होती है हमें, विच ओजेस आउट ऑफ द पोर्स इन द स्किन, जो हमारी स्किन से बाहर निकल आते हैं. व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स, अब जब ये स्वेट इवेपोरेट करता है, इट टेक्स अवे द हीट, ये हीट अपने साथ ले जाता है, एंड लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता है. नेक्स्ट आवर सेंस ऑर्गन इज टंग. टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट. हम टंग के जरिए टेस्ट करते हैं डिफरेंट टेस्ट को, फॉर एग्जाम्पल बिटर टेस्ट, सॉवर टेस्ट, स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट एंड सॉवर टेस्ट. इट इज़ कवर्ड विद टाइनी स्पॉट्स, इस पर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिसको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं. सो द टेस्ट बर्ड्स आर सेंसिटिव टू द फोर टेस्टेस, स्वीट, सॉल्ट एंड बिटर. नोज, नोज इज ऑल्सो अवर सेंस ऑर्गन. द नोज इज द मेन ऑर्गन ऑफ स्मेल. इसके जरिए हम स्मेल करते हैं किसी भी चीज़ को. इट हैज स्पेशल सेल्स, इसमें स्पेशल सेल्स मौजूद होते हैं जिसको हम स्मेल्स रिसेप्टर्स कहते हैं, विच रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल. जो मुख्तलिफ स्मेल को जिसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड देते हैं हमें. केमिकल सब्सटेंसेस फ्लोटिंग अबाउट इन द एयर गिव आउट स्मेल. जो केमिकल सब्सटेंसेस एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं उनसे हमें स्मेल का पता चलता है. व्हेन रिसेप्टर डिटेक्ट्स ए स्मेल, जब भी जो स्मेल रिसेप्टर है वो कोई भी स्मेल को डिटेक्ट करता है, इट सेंड्स ए मैसेज अलॉन्ग नर्व फाइबर टू द ब्रेन. वो हमारे मैसेज को, स्मेल के मैसेज को ब्रेन तक पहुँचाते हैं, एंड ब्रेन इंटरप्रेट्स द स्मेल एज ए प्लेजेंट और अनप्लेजेंट. और ब्रेन हमें बताता है कि ये अच्छी खुशबू है या ये बुरी खुशबू है, यह बुरी स्मेल है. सेंस ऑफ स्मेल इज इम्पॉर्टेंट. सेंस ऑफ स्मेल बहुत ज़रूरी है, एज इट हेल्प्स द सेंस ऑफ टेस्ट, क्योंकि सेंस ऑफ टेस्ट को भी के लिए भी ज़रूरी है. द नर्व दैट कनेक्ट्स द नोज टू द ब्रेन, वो नर्व जो नोज को ब्रेन से कनेक्ट करती है उसको ऑल्फैक्ट्री नर्व कहते हैं. अमेजिंग फैक्ट्स, द आई लैशेज फॉर्म अ नेट इन फ्रंट ऑफ द आई विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट. हमारी जो आई लैशेज हैं, आईज के ऊपर जो हेयर है वो आइज की को प्रोटेक्ट रखती हैं डस्ट पार्टिकल से. यू मस्ट कीप यूर बैलेंस इन टू वेज. यूर आइज टेल यू इफ यू आर अपराइट एंड टिल्ड. द सेमी सर्कुलर ग्लास ऑफ यूर इनर ईयर्स टेल यू इफ यू आर मूविंग ऑफ बैलेंस. हम अपने बॉडी के बैलेंस को दो तरीकों से रख सकते हैं, अपने आइज के जरिए और सेमी सर्कुलर ग्लास के जरिए. यूर सेंस ऑफ हंगर कम्स पार्टली फ्रॉम सेंसरी नर्व एंडिंग इन योर स्टमक वॉल विच आर सिमुलेटेड व्हेन योर स्टमक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट एम्प्टीज. हमारा सेंस ऑफ हंगर, हमें जो भूख लगती है वो सेंसरी नर्व एंडिंग्स की वजह से है जो हमारे स्टमक में मौजूद हो. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव द सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ए. करेक्ट आंसर इज इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स. द होल साइटोप्लाज्म इज सेंसिटिव टू चेंज इन द एनवायरमेंट. The ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. The movement of plants towards light and gravity are called tropic movements. Auxin is a chemical substance which is made in the cells at the tips of the roots and shoots. Auxin speeds up the growth in stems and slows down the growth in roots. Higher animals respond to change in their environment by taking appropriate action. The working together of all the organs and systems of the body is called coordination. Coordination in the body is brought about by two systems, the nervous system and the endocrine system. Question number 2 is about the fill in the blanks. First fill in the blank mein, students, we have the 5 blanks. Aapne first mein eyes likhna hai, ears, nose, tongue and skin. B, sight. सी में हमारे पास 4 ब्लैंक्स हैं. यू हैव टू राइट सॉल्टी, स्वीट, सॉवर एंड बिटर इन इट. स्मेल, देन पार्ट ई इज प्लांट्स, पार्ट एफ इज ऑक्सिन, जी इज ब्रेन, एच इज मोटर, आई इज ऑडिटरी नर्व एंड जे लास्ट वन इज द सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड वेस्टिब्यूल. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द पार्ट ऑफ द बॉडी टू द फंक्शन दैट इट परफॉर्म्स. सेंस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई. आई स्पॉट हेल्प्स टू डिटेक्ट change in light intensity in a juglina.
ऑक्सिन स्पीड्स अप स्टेम ग्रोथ, ब्रेन कंट्रोल्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ईयर सेंसिटिव टू द स्टिमुलस ऑफ साउंड, सेमी सर्कुलर नर्व्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट, प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, टेस्ट बड्स सेंसिटिव टू टेस्ट, ऑल्फैक्टरी नर्व कनेक्ट्स द नोज टू द ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 4. In the following diagram, mark the regions of the tongue and that are most sensitive to these tastes. 1 is bitter, 2 is sour, 3 is sweet and salt, and 4th one is salt. So this is all for today. Thank you and Allah.